सोयाबीन के बारे में आपने जरूर सुना है, बाहर के कंट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इंडिया में उतना हिसाब से नहीं होती है। यहाँ हम लोग मेनली दालों से प्रोटीन लेते हैं, पर सोया सबसे बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। एनिमल प्रोटीन हम लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एनिमल प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है पर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो सोयाबीन, अगर हार्ट के मरीजों के लिए हम प्रोटीन का सोर्स ढूंढे तो सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स। सोयाबीन में कैलोरीज बहुत होती हैं, जो लोग आटे में सोयाबीन मिला लेते हैं तो उनको कोई कैलोरी बहुत मिल जाती है, तो इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए सोयाबीन ठीक है, पर वजन कम करने वालों के लिए सोयाबीन उतनी अच्छी नहीं है। सोयाबीन को, सोयाबीन 100 ग्राम लेंगे तो उसमें करीब 440 कैलोरीज होती है, तो आटा से भी थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज है, ये बात मान के चलिए। सोयाबीन की सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें फाइबर बहुत होता है। इसको अगर उबाल लेते हैं और उसके बाद उसको सुखा के उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फ़ाइबर काफ़ी होती है, 9% के करीब फाइबर हो जाती है। और इसको अगर स्प्राउट बना लेते हैं, अंकुरित बना लेते हैं, तो फाइबर और बढ़ जाती है, इसका और पावरफुल बढ़ जाती है। तो सोया बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, हड्डियों के लिए भी सोया काफ़ी मदद करता है, और इसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो बहुत बढ़िया माना जाता है। अच्छा, सोया को आप बॉयल करके सुखा के उसका पाउडर बना के सकते हैं, उसका मिल्क बना लीजिए, उसमें पानी मिलाइए, घोल लीजिए, वो सोया मिल्क के बराबर होता है। ऐसे सोया मिल्क आजकल बाज़ार में काफ़ी अवेलेबल है, तो सोया मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें 1.8 ग्राम फैट होता है। प्लेन सोया अगर बहुत ज़्यादा परिमाण में लेंगे उसमें 20 ग्राम फैट है। आपको मालूम है सोयाबीन का तेल भी होता है, तो सोया का डीफैटेड सोया भी मिलने लग गई है। तो सोयाबीन अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो यूज़ करिए, पर डीफैटेड वाला यूज़ कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी में लीजिए। पर सोया का अगर दूध पीते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सोया मिल्क में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, हड्डी में भी फ़ायदा करता है, ब्लड प्रेशर लोअरिंग में भी फ़ायदा करता है। तो सोयाबीन आप ले सकते हैं। सोया का एक पनीर बनता है जिसका नाम है टोफू, वो भी हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, पर सोया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते क्योंकि उसमें चर्बी है, उसमें फैट होता है। तो इस हिसाब से आप सोया लीजिए, पर थोड़े कम क्वांटिटी में लीजिए। पर प्रोटीन के लिए लेते हैं तो इसमें बहुत होता है। न्यूट्रेला नकेट्स मिलता है आपको चावल के संग, उसको भी ले सकते हैं, चावल के संग बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके उसको खाइए, वो सोयाबीन में बहुत फ़ायदे का चीज़ होता है। उसमें फाइबर भी बहुत होता है, कैल्शियम भी आ जाती है उससे। तो आप सोयाबीन लीजिए, काम की चीज़ है और आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये बात को आपको। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, तो ये सोया हमारे काम की चीज़ है। आटे में भी मिला सकते हैं, बॉईल करके न्यूट्रेला बना के बॉईल किया हुआ सोया को आप यूज़ करिए, वो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत सारे कंट्री में सोयाबीन बहुत चलती है, और वो सोयाबीन की आजकल चाप बनने लग गई, आपने देखा है, वो मीट की तरह दिखता है। वो भी मैं लोगों को बोलता हूँ, आपको अगर चिकन छोड़ना है, मटन छोड़ना है, तो उसके जगह सोया का चाप ले लीजिए, उसमें प्रोटीन बहुत हो जाएगी आपको, और उतना फैट नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं। तो डीफैटेड सोया बाहर की कंट्री में खूब मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एनीवे, सोयाबीन ले दे के अच्छा चीज़ है, हार्ट के लिए अच्छा है, प्रोटीन के लिए अच्छा है, तो आप ज़रूर लें इसको। थैंक यू सो मच।